हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, मेथड फॉर फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया था ना आपको, ठीक है। उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको बोला था, आप बना लीजिएगा एनसीईआरटी से, ठीक है। अब बना भी लिए होंगे आशा है, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ने वाले, ठीक है। यानी कुछ फर्स्ट ऑर्डर के स्पेसिफिक एग्जांपल को आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, या हम इसको बोले कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, ठीक है। मतलब वैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ेंगे जिसमें क्या हो, गैस इन्वॉल्व हो, ठीक है। यह हम बोल रहे हैं क्या, समझिए, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला जो स्टडी करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। अरे बोलो भाई, इन टर्म्स ऑफ गैस स्टडी करेंगे, प्रेशर, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर स्टडी करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला याद है तुमको क्या, केटी इक्वल टू क्या बताए थे, 2.303 लॉग ए नॉट बाई क्या, 80। ये तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में फॉर्मूला हो गया ना, इन टर्म्स ऑफ क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेशर, ठीक है। तो हम जानते हैं फॉर आइडियल गैस, ठीक है, क्या जानते हो, पी इक्वल टू क्या, एनआरटी, ठीक है। तो पी इक्वल टू क्या, एन वाई वी इंटू आर टी, यानी पी इक्वल टू क्या, सी आर टी, देख लो भाई, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, बोलिए, ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पी नॉट। और पी नॉट क्या है, ए नॉट क्या था, पहले ये बताओ, ए नॉट क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो पी नॉट को क्या बोलेंगे, बोलो, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। पी नॉट क्या है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल प्रेशर ऑफ क्या, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर है। अरे बोल भाई, ठीक है, अरे बोलो, इनिशियल प्रेशर ऑफ क्या, रिएक्टेंट, ठीक है। 80 क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पीटी। तो पीटी को क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, ठीक है। पीटी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद रिएक्टेंट का अपना प्रेशर, ठीक है, समझ में आ रहा। यानी फॉर्मूला को मॉडिफाई कर देंगे क्या आ जाएगा, बोलिए, ठीक है, फॉर्मूला अब क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, बताओ क्या फॉर्मूला आ जाएगा, बोलो, जहां ए नॉट लिखे थे, देखे देखे, जहां ए नॉट लिखे थे आ गया है, देखे ना, अभी आप देखे थे ना, देखिए देखिए, अभी ना आपने लिखा क्या, ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पी नॉट, और ए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पी टी, अभी ना लिखा आपने, पी टी था, अब ए नॉट बाई ए टी इक्वल टू क्या लिखोगे, पी नॉट बाई पी टी। तो आपके पास जहां फॉर्मूला था ए नॉट बाई एटी, उसके जगह पर क्या बैठाओगे, पी नॉट बाई क्या, पीटी, ठीक है। पीटी क्या है, टी टाइम पे रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर है, पी नॉट क्या है, इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, प्रेशर। यानी यदि तुम्हें प्रेशर दिया रहेगा तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया सबको, गो डाउट। जहां आप ए नॉट बाई ए टी लिखे थे, उसके जगह पर क्या बोलेंगे, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में क्या बोलेंगे, पी नॉट बाई पी टी, समझ में आया सबको, अरे कोई डाउट है, अरे बोल भाई, ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछो, ठीक है। अरे बहुत दिन से भारत माता की जय नहीं बोले हो यार, बोल कस के भारत माता की जय, अरे बोलो यार, ठीक है, हाँ बहुत दिन से नहीं बोलो यार, एनर्जी नहीं आ रहा था, तो चलो ये सबको समझ में आया, अरे कोई डाउट है बोलो, ठीक है, नहीं ना। यानी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर याद रहेगा, जैसे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन याद रखते थे, वैसे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी याद रखना, ठीक है, अरे बोलो,
रामू श्यामू चंपा चमेली बोलो भाई, समझ में आ रहा सबको? ठीक है चलो, अब इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपको। देखिए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में कुछ क्वेश्चन में आपको बोलेंगे और उसको ही समझना इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जैसे हम फर्स्ट केस एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब तीन टाइप का इसमें क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा क्या क्या टाइप का मिलेगा। ठीक है ध्यान दीजिएगा क्या, जैसे कोई रिएक्शन है, ठीक है ए से ए गैस से क्या जा रहा है बेटा, बी गैस प्लस सी गैस में जा रहा है। ठीक है इस रिएक्शन क्या इंफॉर्मेशन आपको तीन तरह से दे सकता है। ठीक है इस गैस के प्रेशर का इंफॉर्मेशन आपको तीन तरह से दे सकता है, कैसे कैसे दे सकता है उसको हम केस के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट केस में क्या गिवन हो सकता है, पी नॉट और बी टी गिवन हो सकता है। ठीक है क्या गिवन हो सकता है, पी नॉट और पी टी। ठीक है तो चलिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये मैं बता रहा हूं, समझिए। चलिए ठीक है क्या गिवन है, केस फर्स्ट में पी नॉट और पी टी। केस फर्स्ट में क्या होगा, पी नॉट गिवन होगा क्वेश्चन में और पी टी गिवन होगा, ये दोनों गिवन होगा। ठीक है अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे समझिएगा। ठीक है अब पहले समझना, मैं इधर लिख रहा हूं देखिए, टाइम t इक्वल टू जीरो पे प्रेशर क्या है, पी नॉट, क्योंकि पी नॉट गिवन है, ये जीरो जीरो आफ्टर टाइम t के बाद। ठीक है प्रेशर कितना हो जाएगा बोलो, p नॉट माइनस एक्स, ये कितना बेटा x, ये कितना बेटा x। ठीक है समझ में आ रहा, अब एक्सप्रेशन लगा दो ना, kd इक्वल टू क्या 2.303 log p नॉट बाई पी टी, लगा दो एक्सप्रेशन तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाई क्या t log p नॉट, तो मेरा p नॉट ही है और pt क्या है t टाइम के बाद रिएक्टेंट का प्रेशर कितना हो गया p नॉट माइनस x, अरे t टाइम के बाद रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर कितना है p नॉट माइनस x। ठीक है समझ में आया, अरे बोलो t टाइम के बाद रिएक्टेंट का प्रेशर लेना है, सारे का प्रेशर नहीं लेना है। आप t टाइम के बाद किसका कंसंट्रेशन लेते थे, रिएक्टेंट का लेते थे ना, तो यहां भी रिएक्टेंट का ही प्रेशर लेना, कितना है p नॉट माइनस x। समझ में आया, यानी p नॉट और pt, अब देखो अब इसको चाहो तो यही ना p नॉट और pt की वैल्यू डाल दी हो, नो डाउट। चलो ये समझ में आ गया, केस सेकंड में क्या गिवन होगा, केस बी, इसी सवाल में आपको केस बी में क्या गिवन होगा, P नॉट गिवन होगा, P नॉट और P टोटल गिवन होगा। ठीक है P टोटल, P नॉट तो इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट है और P टोटल क्या है ध्यान दीजिएगा, केस सेकंड बता रहा हूं, P टोटल इज द टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन, टोटल प्रेशर ऑफ, ठीक है ये टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन, ठीक है After time t, ठीक है या total pressure of reaction भी बोल सकते हैं, total pressure of mixture after time t, ठीक है total pressure of reaction after time t या total pressure of mixture after time t, क्योंकि जब time t बीतेगा तो reactant भी होगा और product भी होगा। ठीक है t time जब बीतेगा तो reactant भी होगा और product भी होगा, यानी क्या बन जाएगा, mixture बन जाएगा ना, ठीक है मिक्सचर बन जाएगा, तो उस मिक्सचर का टोटल प्रेशर दिया गया। ये सिंपल सी भाषा में कह रहा हूं मैं, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम टी, यानी टी टाइम के बाद रिएक्शन का टोटल प्रेशर दिया गया, ना कि इसका प्रेशर टी टाइम के बाद गिवन है, टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन गिवन है। ठीक है अब देखिए सवाल सॉल्व करते हैं, आंसर जो लाना है वो पी नॉट और पी टोटल के टर्म में लाना है। ठीक है अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे आप एनालाइज करते थे कर लीजिए आप, ठीक है जैसे एनालाइज करते थे कर लीजिए आप। ठीक है आपको तो क्या चाहिए, KT इक्वल टू क्या चाहिए 2.303 log, ध्यान दीजिए P नॉट बाई P, ये T लिखा हूं, ये फॉर्मूला में ये स्मॉल T है ना, इसका मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट हमको चाहिए, क्योंकि सॉल्व करने के लिए
यदि हमें के की वैल्यू निकालना है तो पी नॉट बाई पी टी चाहिए। क्वेश्चन में पी नॉट दो गिवन है लेकिन पीटी गिवन नहीं, ये पीटी अलग है, ये पीटी अलग है। जो बड़ा वाला टी लिखे है ना वो टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन आफ्टर टाइम टी है, ठीक है, और वो पी छोटा वाला टी है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी है, यानी टी टाइम के बाद रिएक्टेंट का सिर्फ प्रेशर है, वो पी स्मॉल टी है जो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सॉल्व के की वैल्यू निकालने के लिए तो हमें पी नॉट और स्मॉल पीटी चाहिए, यानी पीटी चाहिए मतलब क्या, पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। देखो यहां बाई टी लॉग पी नॉट और पीटी की जगह क्या बैठा को पी नॉट माइनस एक्स। अब एक्स कैसे निकालोगे देखो, एक्स कैसे निकालोगे देखो, आपके पास टी टाइम के बाद, ठीक है, आफ्टर टाइम टी कितना टोटल प्रेशर है देखो तो पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी एट टाइम टी पे सोचो, ठीक है, टाइम इक्वल टू टी, टी टाइम पे सोचो क्या पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू पी टोटल देख लो। अरे टी टाइम के बाद टोटल प्रेशर जोड़ लो ना, ये प्लस ये इक्वल टू पी टोटल। यहां से क्या करोगे, एक्स की वैल्यू निकालो क्या, एक्स माइनस आ जाएगा नॉट आ जाएगा, ठीक है, और एक्स की वैल्यू रख दो ना, क्या आ गया कि टी इक्वल टू 2.303 बाई टी, ठीक है, लॉग पी नॉट बाई पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगा, पी टोटल माइनस पी नॉट आया ना, पी टोटल माइनस क्या पी नॉट आया ना एक्स की वैल्यू, देख लो भाई। अब मैं यहां लिख देता हूं देखो, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं, चलो ठीक है, चलो इधर ही मिटा लू, इधर मिटा लू, चलो ऊपर ही मिटा लेता हूं, चलो क्या आ जाएगा यहां देखो, क्या आ जाएगा k इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये पी नॉट आ गया है, अब प्लस पी नॉट यानी 2p0 अब माइनस पी टोटल, देखो आंसर आ गया, देखो पी नॉट भी गिवन है ना क्वेश्चन में, पी टोटल भी गिवन है, ठीक है, के सेकंड में ये दोनों गिवन है, देख लो भाई, अरे को डाउट बोलो, समझ में आ रहा सबको, चलो यानी दोनों बात समझ में आया, यानी क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, रिएक्शन को इस तरह से ब्रेक कर लो और फॉर्मूला मेन फॉर्मूला लगाना, ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो सवाल सॉल्व करके आंसर हम लाए, क्या गिवन डाटा था उसके अनुसार सॉल्व करके आंसर लगाए, मेन फॉर्मूला तो ये क्या है, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग पी नॉट बाई पी टी, वो स्मॉल टी लिखे है, वो मेन फॉर्मूला है, उसी को लेकर आगे बढ़ना है, उसके अनुसार जो इन्फॉर्मेशन देगा उसके अनुसार सोचना, ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है उसके बारे में सोचते हैं। किस थर्ड में हमें दिया गया, शी में दिया गया इंफॉर्मेशन है, पीटी दिया गया और पी इंफिनिटी दिया गया, यानी पीटी क्या है, टोटल प्रेशर है एट टाइम टी, ठीक है, टोटल प्रेशर एट टाइम टी, टी टाइम पे टोटल प्रेशर दिया गया और ये टोटल प्रेशर, ठीक है, पी इंफिनिटी का मतलब क्या, ठीक है, टोटल प्रेशर एट इनफाइनाइट टाइम, ठीक है, टोटल प्रेशर एट इनफाइनाइट टाइम, ठीक है, ये टोटल प्रेशर डी टाइम पे दिया गया, इनफाइनाइट टाइम पे दिया गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये दो डाटा गिवन है और हमको के की वैल्यू निकालना, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, जैसे आप ब्रेक करते थे वैसे ब्रेक करिए, सबसे पहला काम देखो, जैसे ब्रेक करते थे वैसे ब्रेक करिए, तो ब्रेक करना तो आपके सामने बोर्ड पे है, देखो ठीक है, ब्रेक किए हुए हैं आप, ठीक है, अच्छा अब इनफाइनाइट टाइम पे थोड़ा सोचते हैं, इनफाइनाइट टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम पे, ठीक है, आपको बताए कि इनफाइनाइट टाइम पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, यानी रिएक्टेंट कितना, जीरो, अरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाता है, बताया देना आपको, यानी इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होने का मतलब क्या, कि जब टाइम इंफिनिटी को इक्वल हो जाएगा, ये कोई चीज इंफिनिटी का तो इक्वल होता नहीं,
यानी टाइम इंफिनिटी के बराबर पहुंचने लगेगा तो उस टाइम पे रिएक्टेंट तो बचेगा नहीं, जीरो। यानी हम ऐसा सॉल्व करने के लिए बना रहे हैं। अरे भाई साहब सुनिए ध्यान से, मैंने बताया था ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीट है। नेवर बी कंप्लीट का मतलब क्या? इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होता है। और इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होने का मतलब क्या? जब टाइम इंफिनिटी को इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना? जीरो। तो जो कॉन्सेंट्रेशन जीरो तो प्रेशर भी जीरो। ठीक है, अब देखो प्रेशर जीरो कैसे हुआ होगा। स्टार्टिंग में तो प्रेशर पी नॉट था, इसका मतलब पी नॉट से घटा हुआ तभी तो जीरो हुआ होगा। ठीक है, जीरो कब हुआ होगा? स्टार्टिंग में तो पी नॉट था, जीरो कब हुआ होगा? इसका मतलब पी नॉट से ही घट गया होगा तो जीरो हो गया होगा। ठीक है, तो ये पी नॉट से घटा तो ये क्या होगा? पी नॉट से बढ़ेगा, ये पी नॉट से बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो टी टाइम पे टोटल प्रेशर कितना है? पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, देख लो भैया, इक्वल टू क्या? पी टी। देख लो टी टाइम पे टोटल प्रेशर दिया गया। ठीक है, एट टाइम टी पे तुम्हें टोटल प्रेशर दिया गया ना, देखो एट टाइम टी पे टोटल प्रेशर दिया गया। ठीक है, अब मैं देखो ना, चलो इनफाइनाइट पे भी टोटल प्रेशर दिया गया, इनफाइनाइट टाइम पे कितना? जीरो प्लस पी नॉट प्लस पी नॉट, यानी टू पी नॉट इक्वल टू क्या? पी इनफिनिटी। देख लो भाई, समझ में आ रहा? आपको टी टाइम पे टोटल प्रेशर दिया गया था और इनफाइनाइट टाइम पे टोटल प्रेशर दिया गया है, कोई डाउट है? बोलो नहीं ना। अब वैल्यू सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो यार, वहां वैल्यू रखा था ना, सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो जल्दी से। क्या करोगे? आपके पास इक्वेशन क्या के निकालना ना, के तो के टी इक्वल टू क्या? 2.303 लॉग क्या? पी नॉट बाई क्या? पी टी। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट अबाई पी टी के पी नॉट माइनस एक्स, पी नॉट माइनस एक्स। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, देखिए आगे कैसे बढ़ाते, देखिए देखिए आगे कैसे बढ़ाते हैं। अभी आपके पास एक चीज था ना, देखिए क्या था, इक्वेशन था ना, देखिए आप लिखे थे ना एट टाइम टी पे लिखे थे ना टोटल प्रेशर कितना? पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स और इक्वल टू क्या? पी टी। देखो भाई, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी टी माइनस पी नॉट, देख लो। ठीक है, वैसे इनफाइनाइट टाइम पे 2p नॉट इक्वल टू p इनफिनिटी, तो p नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलो p इनफिनिटी बाई 2, देख लो भाई। चलो सॉल्व करते हैं, देखो देखो सॉल्व करते हैं, यानी k इक्वल टू क्या निकल जाएगा? देखो अब k फाइनल निकाल रहे हैं, 2.303 बाई t log p नॉट, p नॉट p नॉट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में p नॉट नहीं है, p इनफिनिटी है, यानी p नॉट की वैल्यू p इनफिनिटी के टर्म में लिखना, कितना P नॉट की वैल्यू निकल चुका P इनफिनिटी बाई 2। ठीक है, अब भाई देखो भाई क्या P नॉट की वैल्यू कितना? P इनफिनिटी बाई 2, देख लो P नॉट की वैल्यू आ चुका है ना P इनफिनिटी बाई 2। X X की वैल्यू कितना? देखो P टोटल माइनस P नॉट, P टोटल माइनस P नॉट। अब देखो P नॉट तो मालूम नहीं है, तो P नॉट के जवाब में क्या रखोगे? P इनफिनिटी बाई 2 रखोगे ना भाई, P नॉट तो मालूम है ना, मालूम है क्या? ठीक है, P नॉट की वैल्यू तो अरे X के बर क्या रखोगे? P टोटल माइनस P नॉट। अब P नॉट तो मालूम है नहीं ना, यानी P नॉट के बदले क्या रखोगे? P इनफिनिटी बाई 2 रखोगे। ठीक है, सॉल्व करो यार, सॉल्व करो। या ऐसे नहीं करने का मन करे तो क्या करना? पहले पहले क्या करना? P नॉट X की वैल्यू रख देना, X की वैल्यू रख देना। यदि ऐसे करने का मन नहीं, क्या करना? P नॉट माइनस x, x की वैल्यू रख देना। ठीक है, x की वैल्यू रख देना, तो आंसर आ जाएगा क्या? P टोटल और P नॉट के टर्म में आ जाएगा, और P नॉट को सबसे लास्ट में रिप्लेस कर देना P इनफिनिटी बाय 2 से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। या ऐसे सॉल्व करने का नहीं मन करे, दूसरा तरीका भी तो है सॉल्व करने का, क्या करोगे? देखो सेम ही आंसर आएगा ना। ठीक है, ऐसे नहीं करने का मन है, ये सॉल्व कर लो का आंसर आ जाएगा ना। अब गुणा भाग तो में आता है, जोड़ घटाओ। ठीक है, एक बात अब सुन, चलो कर देता हूं, चलो चलो कर देता हूं। 2.303 by t log p infinity by 2। अब यहां देखो LCM 2 ले लो ना, क्या आ जाएगा? LCM 2 ले लोगे क्या आ जाएगा बेटा? बोलो p infinity minus क्या? 2p total। ठीक है,
अब माइनस 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 प्लस क्या पी इंफिनिटी देख लो भाई, ठीक है देख लो भाई, देखो ना एलसीएम ले लिए कितना टू ले लिया ना एलसीएम, तो क्या आ गया पी इंफिनिटी माइनस टू पी टोटल माइनस पी इंफिनिटी, देखो क्या आ जाएगा बोलो, क्या आ जाएगा बोलो 2.303 by t log, ऊपर में क्या है p infinity, अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना p infinity, अब भाई नीचे देखो क्या, देखो भाई नीचे क्या आ जाएगा, यहां से p infinity समझो p infinity अब p infinity कितना 2p infinity अब माइनस 2p टोटल देख लो भाई, ठीक है तो चाहो तो टू कॉमन ले सकते हो आप, चाहो तो टू कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है अच्छा ऐसे सॉल्व करने का मन नहीं करता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए 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 ऐसे सॉल्व करने का मन नहीं करे तो आप ऐसे भी करो, देखो और करके गुणा भाग तो आप कितना भी तरह कैसे कर सकते हैं, k इक्वल टू बाई टी लॉग पी नॉट अब माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू रख दो क्या p टोटल माइनस पी नॉट क्या आ जाएगा बोलो 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट भाई 2p नॉट माइनस पी टोटल देख लो, ठीक है अब p टोटल के देखो अब p नॉट की वैल्यू क्या है p इनफिनिटी बाई 2 रख दो भाई, p नॉट की वैल्यू तुम्हें पता ना p इनफिनिटी बाई 2 रख दो, चलो मैंने क्या बोला गुना भाग आप कितने भी तरह कैसे कर सकते k इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो 2.303 बाई टी लॉग p नॉट के बदले रख देता हूं p इनफिनिटी बाई 2, यहां देखो p नॉट के बदले क्या रख देता हूं p इनफिनिटी बाई 2 माइनस पी टोटल देख लो भाई ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है वही आंसर आ जाएगा ना ये, तो क्या बचेगा पी इनफिनिटी माइनस पी टोटल, ठीक है और ये 2 तो नीचे आ जाएगा ना फिर से सेम आंसर आ जाएगा, तो आपको गुना भाग तो मैं बताया जैसे चाहो वैसे कैलकुलेट करो आपकी इच्छा, समझ में आया सबको, मतलब जो मेन फॉर्मूला उसी पे बढ़ना, मेन फॉर्मूला क्या है बेटा kt इक्वल टू 2.303 log p नॉट बाई pt, वो स्मॉल t की बात कर रहे हैं, स्मॉल टी जो पीटी लिखते हैं वो क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट आपको चाहिए, आइदर गिवन डाटा कुछ भी हो उसको उसके फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है रिएक्शन का एनालिसिस करके, ठीक है कोई डाउट पूछो, चलो मैं एक क्वेश्चन करता हूं तुम्हारे एनसीईआरटी में भी गिवन होगा ये क्वेश्चन, बस मैं हिंट कर दे रहा हूं और बनाना तो तुम्हारा काम है ना, इस क्वेश्चन को तुम्हारा बनाना काम है, ठीक है मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है क्या है SO2Cl2 डिकम्पोज्ड होके, ठीक है कोई क्वेश्चन दे रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है डिकम्पोज हो रहा है SO2Cl2 किसमें बदल रहा है SO2 प्लस Cl2 में, गिवन डाटा क्या है देखिए गिवन डाटा क्या है, यहां टाइम दिया गया और यहां पे लिखा गया टोटल प्रेशर, ठीक है जीरो टाइम पे टोटल प्रेशर 0.5 है और एक टाइम दिया गया बेटा कितना, ठीक है वो टाइम लगता है देख लेता हूं एक सेकंड कितना टाइम दिया गया मुझे को याद नहीं है, ठीक है वो टाइम कुछ भी टाइम ले सकते हो, ठीक है अब एग्जैक्ट तो एनसीईआरटी में रखा नहीं हूं, ठीक है देख लेता हूं एग्जैक्ट ही क्वेश्चन बता देता हूं वन सेकंड मेरे पास एनसीईआरटी बुक है ना देख के बताता हूं कितना वो डाटा दिया गया था, हाँ 100 भी दिया गया ना 100 पे 100 सेकंड, ठीक है 100 सेकंड पे 100 सेकंड में दिया गया, ठीक है कितना 0.6 टोटल प्रेशर जो एटीएम में दिया गया, एटीएम में दिया गया 100 सेकंड पे, ठीक है टाइम सेकंड में है बेटा ये टाइम जो है वो किसमें है सेकंड में है, ठीक है प्रेशर किसमें है एटीएम में है, क्या निकालना आपको फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या करा फाइंड आउट, सेम क्वेश्चन लिखा दिया वरना क्वेश्चन में कुछ भी सेट कर सकता था, ठीक है अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं क्योंकि मैं पहले ही बढ़ा चुका हूं, ठीक है फाइंड आउट क्या के रेट कांस्टेंट, दूसरा क्या करा फाइंड आउट
रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वेन टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन इज 0.65 क्या एटीएम, यही क्वेश्चन बेटा। इसको सॉल्व करो, तुम इसको सॉल्व करो, जल्दी से करो, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो, इसको करो जल्दी। चलो मैं करता हूं, ठीक है, मैं करता हूं, चलो मैं करता हूं। देखो टाइम जीरो पे जैसे लिखते थे वैसे लिखना स्टार्ट करिए, टाइम 100 सेकंड पे कितना बोलो पी नॉट माइन, वो मान लो एनी टाइम टी पे, ठीक है, वो टी की वैल्यू 100 रख देना अपना, एक्स एक्स लिख दिए, ठीक है। अब हमें निकालना है, समझिए करना क्या बेटा, ठीक है, हमें के की एक्सप्रेशन निकालना है, तो के टी का फॉर्मूला है ना 2.303 by t log p not by pt, ठीक है। अब टाइम क्या लेना है, एट कितना टाइम पे 100 सेकंड पे, टाइम t इक्वल टू क्या 100 सेकंड पे, तो पहले बताओ 100 सेकंड पे टोटल प्रेशर कितना है। देखो p not minus x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना 0.6 था ना, और p not भी पता कितना, टाइम जीरो पे जो टोटल प्रेशर रिएक्टेंट का प्रेशर है, अरे टाइम जीरो पे जो टोटल प्रेशर देगा ना वो रिएक्टेंट का प्रेशर है, क्योंकि टाइम जीरो पे तो प्रोडक्ट है ही नहीं, ठीक है। अरे टाइम जीरो पे टोटल प्रेशर कितना, पी नॉट प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू क्या पी नॉट, देखो ना, अरे जोड़ भी दोगे पी नॉट प्लस जीरो कर दोगे तो पी नॉट ही आएगा ना, ठीक है, और पी नॉट की वैल्यू तो तुम्हें पता है कितना 0.5, ठीक है, ये पी नॉट तो पता है तुम्हें, ठीक है। चलो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0.6 माइनस पी नॉट की वैल्यू कितना 0.5, x की वैल्यू 0.1 आ गया, देख लो भाई, ठीक है, एक्सप्रेशन लगा दो ना, सॉल्व करो इसको, k इक्वल टू 2.303 by टाइम 100 सेकंड log p नॉट कितना 0.5 pt p नॉट माइनस x यानी 0.6, ठीक है, देखिए ना p नॉट माइनस x है ना, तो 0.5 माइनस एक्स की वैल्यू कितना है 0.1, यानी कितना आ गया बोलो, के की वैल्यू आ गया ना के इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो के निकल जाएगा ना, अब भाई साहब सॉल्व कर लोगे के निकल जाएगा, बोलो डाउट है तो पूछो, इसको सॉल्व कर लोगे भैया के निकल जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे के निकल जाएगा, के की वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे ना, अरे यार सॉल्व कर लोगे ना, ठीक है, के की वैल्यू लगभग आएगा 2.23 × 10⁻³ आएगा, ठीक है। अब मेरे को आंसर याद है तो तुम भी याद नहीं रखना, सॉल्व कर लेना, 10⁻³ क्या सेकंड इनवर्स, के तो आ गया, ठीक है, देखो आ गया ना, जो काम कर रहे थे काम नया काम नहीं किया, ठीक है। अब क्या करना है, एक बात और सुनो, हमें चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन कब चाहिए, एट कब, जब टोटल प्रेशर मेरा, ठीक है, कितना हो जाए 0.56 हो जाए, चलो करते ना, यानी रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, रेट चाहिए कब, जब मेरा पी टोटल की वैल्यू 0. कितना 56 एटीएम हो जाए, ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, 0. कितना बोले थे 56 की 65 बोलो कितना दिए थे बेटा 0.65 पे, चलो 0.65 ले लेते हैं, 0.65 दिए थे, ले लिए, ठीक है। अब मेरे जब टोटल प्रेशर 0.65 हो जाए तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, अब देखो टोटल प्रेशर क्या कर दो, P नॉट माइनस एक्स, अब P टोटल दिया गया ना, अब वो किस टाइम पे टोटल प्रेशर है हमें तो पता नहीं, तो मान लेते हैं एनी टाइम टी पे, ठीक है, इक्वल टू 0.65, देख लो ना x आ गया कितना 0.65 माइनस P टोटल, सॉरी माइनस P नॉट कितना 0.5, तो कितना आ जाएगा 0.15 एटीएम, देख लो भाई आ गया, कोड आउट बोलो आ गया ना।
अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गया एसोसिएट, कॉन्सेंट्रेशन नहीं प्रेशर, प्रेशर ऑफ एसोसिएट टू, ठीक है लिख दिए, रेट लॉस रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिए ना, के की वैल्यू निकाले थे ना अभी, कितना अभी ने निकाले थे के की वैल्यू, 2. कितना 2.23 इंटू 10 का पावर, कितना निकाले थे बोलो, 2.23 इंटू 10 का पावर -3 निकाले थे ना, चलो ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ एसोसिएट टू कितना, जिस टाइम पे प्रेस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बोले उसी टाइम पे प्रेशर दो, तो ठीक है कह रहा जब टोटल प्रेशर 0.65 हो गया तो उस समय इसका पार्शियल प्रेशर एसोसिएट टू का कितना है, उस समय एक्स तो मालूम हो गया ना, तो उस समय पार्शियल प्रेशर कितना है, पी नॉट माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू रखो ना, पी नॉट, पी नॉट कितना है बेटा बताओ, 0. पी नॉट कितना है 0.5, माइनस एक्स की वैल्यू कितना 0.15, गुना भाग लो आंसर आ जाएगा देख लो, ठीक है क्या बोल रहा हूं, जिस टाइम पे तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन बोले उसी टाइम पे प्रेशर बताओ, उसी टाइम पे प्रेशर लो, ठीक है जिस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन बोले उसी टाइम पे प्रेशर लीजिए। कह रहा है मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन बताइए जब मेरा टोटल प्रेशर 0.65 एटीएम हो गया, ठीक है समझ में आया, तो जब मेरा पी टोटल 0.65 हो गया ठीक है, तो उसी समय हम एसोसिएट टू का पार्शियल प्रेशर निकाल लिए, कितना पी नॉट माइनस एक्स, एक्स तो निकला हुआ है सॉल्व कर दिए, गो डाउट बोलो भाई समझ में आ गया सबको, तो आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जांपल में भी होगा उसको आप कर लीजिएगा, आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके गाइस थैंक यू बाय।